सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको महाराष्ट्र के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ, जहाँ पे आप जेईई मेंस के स्कोर के थ्रू जो एडमिशन है वो ले सकते हो। साथ ही में गाइस इस वीडियो में आपको एक जो सेफ स्कोर है वो भी बताऊंगा, एंड जिन स्टूडेंट्स को जेईई में कम परसेंटाइल आए हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस रहेंगे वो भी हम इस वीडियो में जो है वो जानेंगे। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए, एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ये गाइस जेईई मेंस के लेटेस्ट कट ऑफ, जहाँ पे हमें सभी कॉलेजेस के जो कट ऑफ्स है ब्रांच वाइज वो जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर आपको महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन लेना है तो जो एमएसटी सीईटी की काउंसलिंग प्रोसेस होती है गाइस, वहाँ पे हमें जेईई मेंस के स्कोर के थ्रू जो है वो अप्लाई करना पड़ता है, एंड फिर गाइस आप जो एडमिशन है वो ले सकते हो। जैसे ही वो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तो वैसे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको वहाँ पे जो स्कोर है वो डालना होता है। एंड ये जो एडमिशन प्रोसेस है गाइस वो ऑलमोस्ट जून के आसपास जो है वो स्टार्ट होती है, तो वैसे मैं आपको टाइम पर जो है वो अपडेट कर दूंगा। अभी गाइस मैं आपको कट ऑफ्स आता हूं, एंड देखते हैं कि कौन से टॉप कॉलेजेस आपको कितने परसेंटाइल पे जो है वो मिल सकते हैं, साथ ही में लो कट ऑफ में कौन से कॉलेजेस है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो गाइस जो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो इंजीनियरिंग में महाराष्ट्र में, वो है गाइस सीओईपी कॉलेज, ठीक है, सीओईपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर ब्रांच के लिए एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा रहना चाहिए, 99.7 के आसपास जो परसेंटाइल है वो मिलना चाहिए, एंड आपका रैंक जो है वो भी 100 के अंदर जो है वो रहना चाहिए। अब ये जो ऑल इंडिया मेरिट नंबर है गाइस, ये जब हमारी एमएचटी सीईटी की काउंसिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो वहाँ पर हमें जो जेईई मेंस का स्कोर है वो डालना होता है, एंड फिर हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो निकलती है। उसमें गाइस हमें पता चलता है कि हमारा रैंक क्या है, तो उस रैंक के रेफरेंस से यहाँ पे जो रैंक है वो दिया हुआ है, ठीक है। ये जेईई मेंस का ऑल इंडिया जो रैंक आता है जेईई मेंस के रिजल्ट में वो वाला नहीं होता है, ये जब हम सीईटी की काउंसलिंग प्रोसेस में जाते हैं तो वहाँ पे जाए गाइस जब हम हमारा स्कोर डालते हैं तो जितने भी स्टूडेंट्स जेईई मेंस के थ्रू अप्लाई करते हैं तो उनका जो भी रैंक आता है उसके अकॉर्डिंग गाइस यहाँ पे हमें जो रैंक है एंड जो परसेंटाइल है वो देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। फिर गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो सीओईपी का जो ईएनटीसी ब्रांच है वो भी काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे भी आप जो एडमिशन है वो ले सकते हो, बट यहाँ पे कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई जाता है। अगर नेक्स्ट कॉलेज की बात करें गाइस तो एक पुणे का कॉलेज है, पीआईसीटी पुणे, ठीक है, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आई थिंक 3 ही ब्रांचेस है, सीएस, आईटी एंड ईएनटीसी, तो ये कॉलेज बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे भी गाइस जो पैकेज है वो 30-40 लाख के आसपास ईजिली जो है वो चला जाता है, बट यहाँ का भी कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई है, 98.98% के आसपास जो कट ऑफ है वो गया था लास्ट ईयर। फिर नेक्स्ट कॉलेज है गाइस यहाँ पे भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अंधेरी, एक मुंबई का कॉलेज है। यहाँ पे वीजीटीआई मिसिंग है बिकॉज वीजीटीआई एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, एंड जो भी गवर्नमेंट एडेड या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहाँ पे आप जेईई मेंस के स्कोर के थ्रू जो एडमिशन है वो नहीं ले पाओगे, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज है। एसपीआईटी जो सरदार पटेल, ये भी कॉलेज जो है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो आपका 98.90 के आसपास जो परसेंटाइल है वो रहना चाहिए। सेकेंड राउंड में गाइस यहाँ पे अच्छा खासा जो चेंज है वो आता है, तो आप जेईई मेंस के थ्रू अगर एडमिशन ले रहे हो तो कैप राउंड 1 जरूर देना, एंड कैप राउंड 2 के लिए जो है वो जरूर वेट करना, अच्छा खासा जो परसेंटाइल में डिफरेंस है वो आता है। नेक्स्ट कॉलेज है गाइस फिर यहाँ पे डीजे सांगवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी एक मुंबई का कॉलेज है, एक बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर ब्रांच लेना चाहते हो गाइस तो यहाँ पे भी 98 के आसपास जो परसेंटाइल है वो जाता है। फिर पीआईसीटी में अभी जो न्यू ब्रांच ऐड हुई है एआई एंड डेटा साइंस, उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो 98.59 के आसपास जो कट ऑफ है वो जाता है, ठीक है। तो टॉप 10 में अगर हम देखते हैं गाइस तो 3-4 कॉलेज है, जैसे सीओईपी हो गया, फिर नेक्स्ट हो गया हमारा भारतीय विद्यापीठ, फिर पीआईसीटी हो गया एंड डीजे सांगवी, ठीक है। तो टॉप 10 में ये सारे जो कॉलेजेस है वो आते हैं। यहाँ पे ब्रांच वाइज दिया हुआ है इसलिए एक एक कॉलेज का नाम हमें रिपीटेडली जो है वो देखने को मिल रहा है, उस कॉलेज की दूसरी ब्रांच वगैरह। फिर सीओईपी का इलेक्ट्रिकल भी जो है वो काफ़ी हाई जाता है। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि सीओईपी का इलेक्ट्रिकल लेना चाहिए या फिर पीआईसीटी का आईटी लेना चाहिए, तो मैं बोलूँगा गाइस कि आप पीआईसीटी के आईटी के लिए जो है वो जा सकते हो, ज़्यादा बेटर ऑप्शन जो है वो रहेगा। अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में, मतलब थोड़े नीचे वाले रैंक कॉलेज में भी सीएसआईटी मिलता है, तो मैं सीएसआईटी को प्रेफरेंस जो है वो ज़्यादा दूंगा एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट अगर कॉलेज देखते हैं गाइस तो यहाँ पे है वीआईटी विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर मुझे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिल रहा है ये गाइस 98.03 एंड सीओईपी में इलेक्ट्रिकल मिलता है
98, मतलब इसका रैंक ज़्यादा है इलेक्ट्रिकल का, तो मैं इलेक्ट्रिकल चूज़ नहीं करूँगा, मैं तो कंप्यूटर के लिए जो है वो जाऊँगा, बिकॉज़ कंप्यूटर में अभी फ़िलहाल तो जो है वो ज़्यादा स्कोप है। एंड बस आपको कट ऑफ देखना जो है वो तो देखना ही है, बट जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो भी देखना, जैसे VIT का जो फ़ीस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू COEP। फिर यहाँ पे भारतीय विद्यापीठ है, फिर नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी माटुंगा। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो ये पूरे इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है गाइस, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप आग बंद करके जो एडमिशन है वो ले सकते हो। 97.86 इतना जो कट ऑफ है वो जाता है, सेकेंड राउंड में जो कट ऑफ है वो और भी कम हो जाएगा। ये कट ऑफ की लिस्ट गाइज मैंने मेरे ऐप पर जो है वो डाली है, आप प्ले स्टोर पर नॉलेज सीकर सर्च करो, आपको ऐप मिल जाएगा, वहाँ पर फ्री मटेरियल में ये सारे जो कट ऑफ्स है वो आपको मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट कॉलेज है गाइस यहाँ पे ठांडुमल छानी इंजीनियरिंग कॉलेज बैंड्रा मुंबई, कंप्यूटर इंजीनियरिंग अगर आप यहाँ पे जाते हो तो 97 के आसपास कट ऑफ जाता है। फिर COEP का इंस्ट्रूमेंटल है, फिर यहाँ पे ठांडुमल के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो टॉप 50 तक अगर आप कॉलेजेस देख, मतलब जितने भी कॉलेजेस है गाइस, ये सारे कॉलेजेस जो है वो बहुत अच्छे हैं। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है तो प्लेसमेंट कैसे जो आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा, बस ध्यान में रखना कि कौन से ब्रांच आपको यहाँ पे जो है वो मिल रही है। ऐसी ब्रांच जिसमें आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें प्लेसमेंट भी उतने नहीं है फिलहाल के टाइम, तो वो चूज़ करने से अच्छा आप एक दो रैंक नीचे कॉलेजेस जो है वो ले सकते हो, एंड वहाँ पे एक अच्छी ब्रांच जो है वो ले सकते हो। तो टॉप 50 तक तो गई सारे बेस्ट कॉलेजेस है, अगर कोई भी कॉलेज मिलता है तो बहुत अच्छा आपके लिए जो है वो रहेगा, एंड आपको अच्छे खासे जो प्लेसमेंट्स है वो भी मिल सकते हैं। बस ध्यान रखना कि ब्रांच कौन सी आप जो है वो अप्लाई कर रहे हो, बिकॉज ब्रांच हो सकता है कि कुछ अच्छे कॉलेजेस का इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का कट ऑफ जो है वो ज़्यादा रहे एज़ कम्पेयर टू कोई एक दो रैंक नीचे कॉलेज का CS, तो उसमें फिर आपको जो प्रेफरेंस है वो अच्छे से देना पड़ेगा, तभी जाके आपको सही कॉलेज एंड सही ब्रांच जो है वो मिल पाएगा। नेक्स्ट गाइज, ऐसे स्टूडेंट जिनका जो परसेंटाइल है वो कम है, तो क्या उनको अच्छे कॉलेजेस जो है वो मिल सकते हैं? तो देखो यार, महाराष्ट्र में जो नंबर ऑफ़ इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वो बहुत ज़्यादा है, 300 से भी ज़्यादा कॉलेजेस हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर आपका प्रेफरेंस है कि CS या फिर IT ही मुझे जो है वो चाहिए एंड अच्छा कॉलेज चाहिए, तो देखो अगर आपका रैंक 10,000 रैंक्स के अंदर अंदर है तब भी आपको एक अच्छा डिसेंट सा जो कॉलेज है वो मिल सकता है महाराष्ट्र में, बिकॉज नंबर ऑफ़ कॉलेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे आप ये देख सकते हो, ये है DY पाटिल का, DY पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अकरूडी, जो कि एक बहुत अच्छा कॉलेज है, एंड प्लेसमेंट भी यहाँ पे बहुत अच्छा जाता है। यहाँ पे AIS का जो कट ऑफ है वो है 91, एक बहुत अच्छा कॉलेज है, अगर आपको मिलता है तो ज़रूर आप इसके लिए भी जो है वो जा सकते हो। तो कम कट ऑफ पे भी गाइज यहाँ पे जो अच्छे कॉलेजेस है वो आपको मिल सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो विवेकानंद का जो ENTC है वो 91 के आसपास जो है वो क्लोज हुआ था, तो अच्छे अच्छे कॉलेजेस आपको नीचे भी जो है वो मिल जाएंगे। और नीचे अगर हम जाते हैं 10,000 रैंक के आसपास, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको अच्छे ऑप्शंस जो है वो मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे YCC नागपुर का एक कॉलेज है, ऑटोनॉमस कॉलेज, अच्छा कॉलेज है, AINDS ब्रांच आपको यहाँ पे जो है वो 88% के आसपास जो है वो मिल जाएगा। फिर यहाँ पे मॉडर्न कॉलेज है, ये भी एक अच्छा कॉलेज है, जो जिसकी कंप्यूटर ब्रांच आपको 88 के आसपास जो है वो मिल जाएगी। फिर GS रायसोनी वागुल, ये भी एक ठीक कॉलेज है, वालचंद कॉलेज है। फिर यहाँ पे और देखते हैं, फिर नागपुर का जो रायसोनी कॉलेज है ये भी अच्छा है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पे आप ले सकते हो, 88 के आसपास जो कट ऑफ है वो जाता है। फिर अगर और कॉलेजेस हम देखते हैं तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव मॉडर्न, ये भी एक अच्छा कॉलेज है, 87 के आसपास आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और कम कट ऑफ में हम देखते हैं तो असीम्स है, ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल, ये भी एक ठीक कॉलेज है, ENTC ब्रांच आपको यहाँ पे मिल सकती है 87 के आसपास। तो देखो गाइज, अगर आपको 85% के ऊपर भी अगर आपको मिलते हैं JEE मेन्स में, तो आपको एक डिसेंट सा कॉलेज जो है वो मिल सकता है इंजीनियरिंग के लिए, एंड वहाँ से आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। फिर सिंहगढ़ के ऑप्शंस आपको आ जाएंगे, जैसे सिंहगढ़ वड़गांव हो गया, SKN हो गया, वो सारे कॉलेज भी जो है वो बहुत अच्छा है, वहाँ पे भी आपको अच्छे खासे प्लेसमेंट्स मिल सकते हैं, साथ ही में जो फीस है वो भी कम होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 87-85 के आसपास जो कट ऑफ है वो जाता है। फिर यहाँ पे ST विंसेंट पलोटी, ये भी एक नागपुर का अच्छा कॉलेज है। फिर यहाँ पे और डॉन बॉस्को भी एक अच्छा ऑप्शन है, यहाँ का फीस आप देख सकते हो, बाकी ओरल कॉलेज जो है वो बहुत अच्छा है। सिंहगढ़ का ये जो वड़गांव कैंपस वाला, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, कैंपस भी बहुत बड़ा है, एंड ओवरऑल आपको यहाँ पे अगर अच्छी जैसे IT ब्रांच 86 पे मिल रही है तो कम परसेंटाइल तो ज़रूर ले सकते हो, एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है। तो ऐसे करते करते गाइस काफ़ी सारे कॉलेजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे 200-250 रैंक, मतलब ये नंबर्स तक अगर आपको कॉलेज मिलते हैं तो भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन जो है वो मिल सकता है। इनमें से कुछ नाम जो है वो बहुत फेमस है, बड़े बड़े ग्रुप्स के कॉलेज है, तो अभी बड़े ग्रुप्स के कॉलेज में होता क्या है कि सेंट्रल प्लेसमेंट होता है, मतलब आपको
सभी स्टूडेंट्स का एक साथ प्लेसमेंट होता है, तो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे जो है वो ज़्यादा मिलते हैं, तो वो भी आपके लिए जो है वो फायदेमंद हो सकता है। तो अगर आपको कम कट ऑफ कम परसेंटाइल मिला है तो आप थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करो, आपको अच्छे कॉलेजेस जो है वो कम कट ऑफ पे जो है वो मिल सकते हैं। बाकी 10,000 के रैंक के अंदर है तो आपको ईजिली मिल जाएगा। अगर आपको 80-85 भी है तब भी आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। बस 80-85 में फिर आपका थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप सीएस के लिए ढूंढ रहे हो तो फिर सीएस, आईटी, एआईडीएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी ब्रांचेस में आपको जो है वो थोड़ा और डाइवर्ट होना पड़ेगा, तो आपको एक डिसेंट कॉलेज जो है वो मिल सकता है। उससे भी कम परसेंटाइल मिले तो फिर सीएस, आईटी को थोड़ा छोड़ के आप ENTC वगैरह के लिए जो है वो देख सकते हो, तो फिर आपको और अच्छा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। देखो इंजीनियरिंग में मुझे तो लगता है कि कॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको एक अच्छा कॉलेज एंड एक डिसेंट ब्रांच मिलती है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, आपको एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है वो आगे जाके मिल सकता है एंड करियर भी जो है वो अच्छा सेट हो सकता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। बाकी और कुछ पूछना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर ट्राई करूंगा कि आपके सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो दे दूं। एंड कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 के सभी जेईई मेंस के कट ऑफ्स मैंने मेरे ऐप पे डाल दिए हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री मटेरियल्स में एंड चेक करते हो कि कितना कट ऑफ जो है वो जाता है कॉलेजेस का। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।